सो गाइस बन रही है कॉफी, क्योंकि आज सभी ने हेयर वॉश किए हैं, ठंड ज्यादा थी, नहाए धोए हैं, इसलिए बन रही है स्पेशल कॉफी। और मैडम हमारे ये देखो हेयर वॉश करके ठंड से कांप रहे हैं। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू रात तिवारी ब्लॉग। तो आकृति को भी दिखा दो कहां है वो, ये रही आकृति गाइस। तो गाइस ये देखो अक्षत आ गया है। तो गाइस आज सबसे बड़ी बात ये है जो हमारे घर में हुई है, वो है कि हम सब जने नहाए हैं, बाल धोए हैं और पूजा बना रही है कॉफी। वहां पे उबल रही है, आपको दिखाई दिया पहले क्लिप मैंने वही डाला है वेलकम से पहले। तो बस अब पहले कॉफी वगैरह पियेंगे, उसके बाद आएगा रुक के लंच, तो लंच करेंगे। आज स्पेशल आकृति के कहने पे आई है आलू भुजिया, लेकिन आकृति सो रही थी ना इसलिए उसको नहीं देंगे। अब आकृति उठ गई है शायद, अब उसको देंगे कि नहीं देंगे आकृति को आलू भुजिया। तो गाइज अक्षर जो है ना आजकल अगर कोई काम के लिए मना करता है ना तो उसकी मम्मी उसको ना एक चीज तो दुल्हन नहीं मिलेगी बोल के ना उससे काम करवाते। क्या किया मैंने वहां से आया, मेरे का थोड़ा सा बाबू फेस यहां पे उसका खराब नहीं हो रखा यहां से। हां हां, मैंने ऐसे से क्यों कर दिया। तो मैंने कहा बाबू क्रीम लगा ले यहां पे, कह रहे नहीं मेरे को नहीं लगानी, मेरे को फिर दुल्हन नहीं मिलेगी, कह रहा लगा दो। फिर मैंने लगाया, मम्मा आकृति को ना ठंडे पानी से नहलाना। मैं कहा नहीं आकृति क्यों नहीं, कह रहा नहला दो। मैं कहा तेरी दुल्हन को नहलाएंगे ठंडे पानी से, कह रहा नहीं मेरा दुल्हन बीमार हो जाएगा। चलो तो गाइस आज बर्थडे किसी का भी नहीं है, लेकिन अक्षत बोल रहा है पापा का है। अक्षत ने आज पापा का बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे तो गाइस अक्षत ने मेरे लिए सरप्राइज दिया है मेरे को। क्या सरप्राइज है यार, वाओ आईपैड, ओ वाओ लिखा हुआ है इसमें आईपैड लिखा हुआ है, सैमसंग सैमसंग। जैसे हमको आप गिफ्ट अक्षत आकृति दे रहे ना वैसे सेम गिफ्ट हमने देख रहे। देखो गाइस ये बनाया हुआ है फोन, ठीक है। अब ये है देखो इसका पेन, यहाँ पे ये कंपनी लिख देता है कुछ भी जो भी हमें देना है। कंपनी एप्पल भी लिख देता है इसका, एप्पल भी लिख देता है। आईफोन 14 बना देता है, जो भी लॉन्च हुआ है होता है iOS। और यहाँ पे लिख देता है मम्मी कॉलिंग, कहता है कॉल उठाओ। तो गाइस अक्षर ने आप सबको बड़ी प्यारी सी छोटी सी किसी दी है। समझा रहे हैं यहाँ पे मेला जो होगा ना वहाँ पे, क्योंकि मेला शायद कल है और हम आज ही जा रहे हैं बच्चों को लेके, थोड़ा सा घूम के आएंगे और देखेंगे मेले में क्या क्या मतलब कैसे कैसे सजाया मेला उन्होंने, कैसी कैसी दुकानें लगी हैं, उसको थोड़ा सा देख के आते हैं। बच्चों को साथ में लेके जा रहे हैं। आप देख सकते हो कितनी भीड़ है और यहीं पे कल मेला होगा। और फिलहाल अभी पहले एक राउंड मार के आपको दिखाएंगे मार्केट कैसी है और उसके बाद वापसी में आपको दिखाते हैं कि गुरुद्वारे के अंदर क्या कुछ है। तो ये बहुत बड़ी मार्केट लगती है, देखो इधर बोर्ड दिखा दो, दिखा ऐसे। तो गाइस इस मेले में बहुत दुकान है, कुछ खाने के हैं, कुछ बैग्स के हैं, बहुत अलग अलग तरह के हैं। और अभी हम जाएंगे सीधा आपको लेके गुरुद्वारे के अंदर। गुरुद्वारा की कितनी तैयारी हुई है गुरुद्वारे में। तो आप देखिए कितनी अच्छी मार्केट सजी है, और अगर कुछ खाना चाहते हो तो खा भी सकते हो आप। ये देखो पकौड़े भी है ना भी। पता नहीं कितने के होंगे, लिखा तो है नहीं। हम जाएंगे को। ये देखो गाइस ये लगा है झूला, यहाँ पे झूले लगे बहुत सारे, और यहाँ पे हम झूलेंगे। अक्षत आकृति ने यहाँ पे झूला झूला, तो मैं ऊंट भी दिखाऊंगी। वो देखो ऊंट देखा तूने कभी? नहीं। वो देख सामने दिखा दे कहाँ पे है। कैमल ये तो बस उसमें होते हैं ना, वो जो दिखा डिजर्ट वाले होते हैं। तो गाइस ये देखो ओ माय गॉड मुझे राइड।
करनी रही कर लेना। तो गाइस यहीं पे लगना है कल मेला, और जिसकी आज से ही आपसे एक सौ कितने ज़्यादा, आज तो यहाँ पे देखो आप ऊँट कैमल भी, जिसको ऊँट बोलते वो भी आया हुआ है। अक्षत आकृति को बैठना है, अक्षत आकृति को बैठना है कैमल पे। तो गाइस अभी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कितना सजाया मेला, आप ही के लिए आए हैं, और प्लीज़ हमें ऐसे ही प्यार दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। गाइस अभी हम आ चुके हैं मेले में, अभी आपको घुमाएंगे, एक्सप्लोर कराएंगे, और अभी आपको बताऊं मैं यहाँ पे खर्चा इन्होंने मेरा करवाना है बहुत ज़्यादा। ये देख लो, पैसे लायो, ये देख लो पैसे भी लेकर आया ये कभी पैसे नहीं लेके आते। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आपको जो लेना होगा आप ले लेना यार, कोई बात नहीं, आज आप एक्ट करो। तो गाइस क्यों आप लेकर आए ना 70 रुपीज़। तो गाइस देख लीजिए यहाँ पर स्पेशल मार्केट, ये देखो यहाँ पर 70 रुपीज़, हाँ वो कहीं मेरे को दे दो 70 रुपीज़। तो गाइस आप देख लो कितना अच्छा सजा है यहाँ पे, बहुत। तो यहाँ पर ये लगेगा बसंत पंचमी का मेला गाइस, देखो बैगी बैग। तो गाइस पूजा की ना बैगों पे आके आजकल निगाह बहुत अटक रही है, देख लो देख लो जो देखना देख लो। तो यहाँ पे सेल की 10 रुपीज़। तो गाइज जो भी यहाँ पे जलंधर के नज़दीक रहने वाले हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कल संडे को ये मेला लगना है, नहीं कल सैटरडे को, आज फ्राइडे है और फ्राइडे को हम एडवांस थोड़ा सा आए हैं यहाँ पे, तो अगर आप जाओ तो आ सकते हो। अक्षत भगवान की पेंटिंग, हाँ भगवान की पेंटिंग है, आ जाओ। तो गाइज ये कल की तैयारियाँ जो आज से चल रही है, और पता क्या एक चीज़ है जो ऊपर बारिश का मौसम भी बहुत ज़्यादा बना हुआ है, लेकिन आई होप कि सब कुछ अच्छा हो, ये भी बेचारे कुछ उम्मीद से आए, तो इन सबको हर चीज मिलनी चाहिए। तो गाइज यहाँ पे ना काफी टाइम से हम खड़े हुए हैं और इनकी शॉपिंग ही नहीं खत्म हो रही, तो बस करो यार चलो जल्दी, अब कुछ नहीं छोड़ रहे तुम लोग, देख लो देख लो सब देख लो। तो गाइज फाइनली अभी थोड़ा सा निकलते हैं घर की तरफ, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है, हवा चल रही है ठंडी। तो गाइज लगता है यहाँ पे चाय का लंगर है, हाँ चाय का ही लंगर है, तो चलते पहले चाय पीते हैं। हेलो गाइस पापा पी रहे चाय और मैं नहीं पी रही हूं, मुझे चाय। तो गाइज पहले पी रहे चाय, बच्चे थोड़ा सा और घूमेंगे, इनको घुमाते हैं दिखाते हैं क्या कुछ है, मैंने इनको बोला चलो घर चलते, कह रहे नहीं जाना अभी घर में। तो गाइज अभी हम ना रोड पे आ गए बाहर की तरफ। तो गाइज आज एक दिन एडवांस हम आए हैं, इसलिए आपको भीड़ कम दिख रही होगी, पर यहाँ पे कल पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती, और यहाँ पर देख लो कुछ मिठाइयाँ वगैरह बन रही हैं, और आकृति ने आपको पहले भी दिखा दी है मार्केट। अभी हम थोड़ा पैदल यात्रा कर रहे हैं। पूजा आप कैसे लग रहा है आपको यहाँ पे आके, आकृति कैसा लग रहा है, अक्षत को कैसा लग रहा है? अच्छा लगा मुझे। अभी आ गए यहाँ पे कुछ खाने के लिए, आ रहे आ रहे। तो गाइस अक्षत ने मंगवाया है पिज्जा और स्प्रिंग रोल हमने खाई लिए। तो गाइज आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है अभी गुरुद्वारा यार, मजे भी आने गुरुद्वारा, वाओ बहुत ही प्यारा। तो गाइज अभी हम आ गए गुरुद्वारे के अंदर, क्योंकि अक्षत बोल रहा था हमको गुरुद्वारे में मत्था टेकना है, तो बच्चों को लेके जा रहे हैं, चलो हाँ करो लगाओ। अभी हम चल पड़े घर की तरफ और अंधेरा हो चुका है, और पीछे देख लीजिए गुरुद्वारा, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये आप देख सकते हो। तो बस अभी निकल रहे घर को। तो गाइस डिनर बिल्कुल रेडी है, आज है दाल और रोटी, फटाफट खाओ। तो गाइस जैसे कि आपने देख ही लिया कि हमने डिनर वगैरह भी कर लिया है, और हम मेले से भी होकर आगे, मेला एक्चुअली है कल, यानी कि जिस दिन आप ब्लॉग देखोगे उस दिन का मेला है, और अगर आप जो विजिट करना चाहते हो तो जलंधर दकोहा में ये मेला हो रहा है। अगर आप लोगों के पास ये वीडियो पहुँचती है और आप अगर देखना चाहो तो आके देख सकते हो, बहुत अच्छा मेला चलता है यहाँ पे, काफ़ी रौनक होती है, काफ़ी भीड़ भड़क्का होता है, और हमने जब गए थे हमने तो भाई थोड़े बहुत पैसे भी खर्च किए हैं वहाँ पे, थोड़ा बहुत सामान पूजा ने लिया है,
और अगर आप हमारे ब्लॉग को देखते हो तो प्लीज लाइक कर देना, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। और इसी के साथ हम आज का ब्लॉग करेंगे एंड, आपको मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय बाय।